टीवी और भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस रश्मि देसाई इन दिनों अपने आने वाले सीरियल दिल से दिल तक की शूटिंग कर रही है। कलर्स टीवी पर दिखाए गए सीरियल उतरन से फेम रश्मि देसाई अपने आने वाले सीरियल में सिद्धार्थ शुक्ला के अपोजिट नजर आएंगी। इस सीरियल का प्रोमो प्ले ही लोगों के सामने आ चुका है और सुर्खियां भी बटोर चुका है। लेकिन अब रश्मि देसाई के लिए बुरी खबर है। दरअसल इस सीरियल के लिए एक आउटडोर सीक्वेंस शूट किया जाना था, जिस दौरान रश्मि को चलती कार से टक्कर लग गई। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल में छपी रिपोर्ट की माने तो इस हादसे में रश्मि की कोहनी में चोट आई है। चूंकि टक्कर जोरदार थी, इस वजह वो थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो गई। जब उन्हें होश आया तब वो खुद को कई चोटों में मुबतला पाई। इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनकी मरहम पट्टी की गई है। टीवी और भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस रश्मि देसाई इन दिनों अपने आने वाले सीरियल दिल से दिल तक की शूटिंग कर रही है। कलर्स टीवी पर दिखाए गए सीरियल उतरन से फेम रश्मि देसाई अपने आने वाले सीरियल में सिद्धार्थ शुक्ला के अपोजिट नजर आएंगी। इस सीरियल का प्रोमो प्ले ही लोगों के सामने आ चुका है और सुर्खियां भी बटोर चुका है। लेकिन अब रश्मि देसाई के लिए बुरी खबर है। दरअसल इस सीरियल के लिए एक आउटडोर सीक्वेंस शूट किया जाना था, जिस दौरान रश्मि को चलती कार से टक्कर लग गई। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल में छपी रिपोर्ट की माने तो इस हादसे में रश्मि की कोहनी में चोट आई है। चूंकि टक्कर जोरदार थी, इस वजह वो थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो गई। जब उन्हें होश आया तब वो खुद को कई चोटों में मुबतला पाई। इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनकी मरहम पट्टी की गई है।